अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की मेरी रेसिपी है रेड सॉस पास्ता की, जो बहुत झटपट बन के तैयार होने वाला है और वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जो हमें चाहिए। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी ली है, इसे मैंने बॉईल कर लिया था। एक पैकेट मैक्रोनी ली, इसे नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। यहाँ मैंने लहसुन के दो जवे लिए थे, इसे मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया था। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कसूर की मेथी ली है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और बिल्कुल चुटकी भर मैंने यहाँ पर टाटरी ली है। 3 टमाटर लिए हैं, इसे मैंने बॉईल कर लिया था। इस तरह से मैंने इसको बॉईल कर, इसके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। और ये मैंने यहाँ पर लिए हैं कश्मीरी मिर्चें, 2 ली हैं मैंने कश्मीरी मिर्चें। और यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज ली है, इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर केचप लिया है। तो सबसे पहले हम टमाटर के छिलकों को उतार लेते हैं, जो मैंने बॉईल कर लिया था टमाटर को। इसके इस तरह से हम सारे टमाटर के छिलके उतार लेंगे। इससे सॉस बहुत अच्छा बनता है और छिलके मुँह में भी नहीं आते। तीनों टमाटर के हम अच्छी तरह छिलकों को उतार लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने टमाटर को डाल दिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे मिर्चों को, जो हमने कश्मीरी मिर्ची ली, इसे ग्राइंडर कर लेंगे। और ये देखें, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। इस तरह का सॉस हमारा बनके तैयार होगा। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है पैन के अंदर। उसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिए हैं, इसे हम थोड़ा सौते कर लेंगे। हम इसे, और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। मैंने छोटी अदद प्याज, छोटी वाली जो होती है, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गोल्डन फ्राई होने देंगे प्याज को। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सारे स्पाइसेस और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। रेड सॉस पास्ता बनाना बहुत आसान है और घर के इंग्रेडिएंट से ही बन जाता है ये पास्ता। अब इसके अंदर हम डाल देंगे इसके अंदर सॉस, जो हमने बना के तैयार करा था। सॉस डाल दिया हमने इसके अंदर, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह भूनेंगे इसको। और उसके बाद, भुनने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप डाल देंगे इसके अंदर, सारा डाल देंगे। और फिर इसके बाद हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। हम इसे ढक के नहीं रखेंगे, ना ही तो इसके अंदर हम कोई पानी शामिल करेंगे। बस इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी मैक्रोनी। ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। आप कोई सी भी मैक्रोनी ले सकते हैं, ये मैंने रिंग्स वाली मैक्रोनी ली है। अब फिर इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह पूरे सॉस में हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है और ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। और अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम इसे। और ये देखें, हमारे ज़बरदस्त से रेड सॉस पास्ता तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी